भैया, मायसेल्फ सुष्मिता ओझा, वेलकम टू स्मार्ट ही गाइड। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इंस्टेंट वेरिएबल। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए, वहां पे वेरिएबल क्या है, कितने सारे वेरिएबल है एंड लोकल वेरिएबल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया। आज और थोड़ा सी बोल देती हूँ वेरिएबल क्या है, जो मेमोरी में हम एलोकेट करके एक प्लेस बना के रख देते हैं वैल्यू को रखने के लिए, हर एक वैल्यू के लिए हर एक वेरिएबल, और उस वेरिएबल का नेम देके हम मेमोरी में प्लेस चूज करके रख देते हैं, इसलिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं बेसिकली। एंड वेरिएबल थ्री टाइप्स में है, एक है लोकल वेरिएबल और एक इंस्टेंट वेरिएबल एंड तीन नंबर में स्टैटिक वेरिएबल। फर्स्ट वाला लोकल, सेकेंड है इंस्टेंट वेरिएबल, थर्ड वाला है स्टैटिक वेरिएबल। तो आज जो दिखाऊंगी इंस्टेंट वेरिएबल। इंस्टेंट वेरिएबल क्या है, जो हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, उस क्लास के अंदर जितने सारे मेथड्स है उस मेथड में हम उस वेरिएबल को यूज कर पाएंगे। इसके पहले वाला जो लोकल वेरिएबल है वहां पे क्या था ये बता दूं तो इजी रहेगी, वो मेथड के अंदर थी। मेथड के अंदर वेरिएबल लिखना मतलब उस मेथड में जितने सारे प्रिंट मेथड हम लिखेंगे उतने बार ही हम उस वेरिएबल को फेच कर पाएंगे। क्लास पे हम मेथड को लिखे हैं उसके अंदर जितने सारे मेथड है वो हम यूज नहीं करेंगे, सी मेथड के अंदर ही उस वेरिएबल काम करेंगे, फेच करेंगे। बट इंस्टेंट वेरिएबल क्या है, उस क्लास में जितने सारे मेथड्स है वो सबको फेच कर पाएंगे, ये है इंस्टेंट वेरिएबल का एडवांटेज। और इंस्टेंट वेरिएबल हम क्लास के अंदर एंड मेथड के बाहर हम डिक्लेयर करते हैं। इंस्टेंट वेरिएबल में बाय डिफॉल्ट जीरो रहता है, जैसे कि int a सेमीकोलन दे दिए, कुछ वेरिएबल का नेम तो दिए बट वैल्यू नहीं दिए, रख दिए बाद में देंगे या ऑब्जेक्ट के थ्रू हम दे देंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम वैल्यू पास कर देंगे। बट अगर वेरिएबल को हम फेच किए तो जीरो वैल्यू दिखाएंगे, ये मैं आप लोगों को आज ही प्रोग्रामिंग में दिखाऊंगी, बट जीरो वैल्यू दिखाएंगे। इस जीरो वैल्यू बाय डिफॉल्ट रहती है, जब हम फेच करेंगे वेरिएबल को तब वो दिखाएगी, अगर वैल्यू दिए तो ठीक है, ना दिए जीरो वैल्यू हम लोग को दिखाएगी, बाय डिफॉल्ट जीरो रहती है इंस्टेंट वेरिएबल में। एंड इंस्टेंट वेरिएबल और एक बार बताती हूँ, एक क्लास के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं एंड बहुत सारे मेथड में हम फेच कर पाएंगे उस वेरिएबल को। तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इंस्टेंट वेरिएबल, इसका प्रोग्रामिंग इनफैक्ट प्रैक्टिकल पार्ट। तो यहाँ पे मैं पहले ही बता दिया कि इंस्टेंट वेरिएबल क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। तो पहले मैं यहाँ पे देती हूँ int 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 नाम num नाम इक्वल टू वैल्यू दे देती हूँ 100, उसके बाद सेमीकोलन लेके नीचे आके मैं मेथड क्रिएट करूँगी, मेथड void 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 display dis play display फर्स्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके बाद नीचे आके सेकेंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके अंदर मैं प्रिंट मेथड दूंगी जो प्रिंट करेगी वैल्यू वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको। और ये जो नाम है एक इंस्टेंट वेरिएबल है जो क्लास के अंदर मेथड के बाहर एंड क्लास के अंदर है। तो मैं यहाँ पे सिस्टम एस वाई एस टी ई एम टेम सिस्टम डॉट आउट ओ यू टी आउट डॉट प्रिंट पी आर आई एन टी प्रिंट एल एन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज बाहर आके सेमी कोलन एंड अंदर में डबल कोट के अंदर प्रिंट पी आर आई एन टी प्रिंट नंबर एन यू एम बी ई आर नंबर, उसके बाद कॉनकाट करेगी उस वेरिएबल को जो मैंने क्लास के बाहर प्रिंट किया। तो क्लास के बाहर यहाँ पर मैंने नाम को क्लास के बाहर जो वेरिएबल है नाम उसको ले आके सिस्टम आउटर प्रिंटर मेथड के अंदर मैंने दे दिया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक क्लास का जो मेथड है उसको कॉल करने के लिए मैं क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जिस ऑब्जेक्ट डिस्प्ले मेथड को कॉल करेगी। तो मैं यहाँ पे क्लास को प्रिंट कॉपी कर दिया, उसके बाद यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर दोगे मेन के अंदर, उसके बाद वी डी वेरिएबल डेमो, इसलिए मैंने वी डी दे दिया आपकी समझने के लायक, याद रखने के लिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस वेरिएबल डेमो क्लास की ऑब्जेक्ट है, ये याद रखने के लिए वैसे ही नाम देना। उसके बाद न्यू एन ई डब्ल्यू न्यू एंड कॉपी पेस्ट कर देना वही सेम
क्लास नेम को, बट ये है कॉन्स्ट्रक्टर जो हेल्प करेगी ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल करने के लिए। एंड वी डी डॉट डिस्प्ले, यहाँ पे डिस्प्ले मेथड आ गई, एंड इसको सेव कर देना। उसके बाद हम इसको रन करेंगे। प्रिंट किया यहाँ पे, प्रिंट नंबर 100, ये पूरा प्रिंट कर दिया। उसके बाद और एक दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये नाम है यहाँ पे दे दिया मैंने नाम 1, नीचे आके इंट नाम 2, उसके अंदर दिया 50 एंड सेमी कोलन, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यहाँ पे नाम 1 कर देती हूँ, नहीं तो प्रिंट नहीं करेगी क्योंकि वेरिएबल का नेम मैंने चेंज किया। उसके बाद मैं यहाँ पे और एक मेथड क्रिएट करती हूँ, void void sum, sum sum, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके sum test, sum sum test, test test, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज करके उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, यहाँ से ही कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पे आके प्रिंट sum कर देती हूँ यहाँ पे sum 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 sum। उसके अंदर यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट, क्योंकि ये कैलकुलेट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं तो इसलिए बाहर एक प्लस है एंड इसको दोनों नंबर को एक साथ में प्रिंट करने के लिए मैंने ऑपरेटर के टाइम पे दिखाए थे, लॉजिकल ऑपरेटर एरिथमेटिक ऑपरेटर के टाइम पे, उस वीडियो देख लेना, उसकी जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ये नाम जो है जो प्लस हम साम करते हैं, टोटल करते हैं, जो प्लस लगा के वो हम कैसे यूज करते हैं एंड उसको इनफैक्ट मैथमेटिकली एक नंबर देगा, उसको ब्रैकेट के अंदर रख के सब सारे के सारे टोटल करके दिखाना पड़ेगा। तो उसके बाद प्लस ऐड साइन, इनफैक्ट ऐड करेंगे हम नाम 2, एन यू एम नाम 2, वहाँ से कॉपी करके भी आप लेके यहाँ पे दे सकते हो, क्योंकि अगर इसलिए आप लोग कॉपी करोगे क्योंकि ये स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, गलत ना रह जाए, जो आप वेरिएबल का नाम पहले दी हो सेकेंड जितने बार यूज करोगे वो सेम ही रहे इसलिए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से उस ऑब्जेक्ट के जरिए वी डी डॉट यहाँ पे sum test कॉल करना पड़ेगा। जितने सारे मेथड है सबको ही कॉल करके ही हम प्रिंट करेंगे, और कॉल करेंगे किसके थ्रू, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, वी डी ऑब्जेक्ट जो है उसके थ्रू ही हम कॉल करेंगे। तो इसको रन करने से 150 दिखा दिया sum करके एंड पहले वाला जो है 100। इस वेरिएबल डेमो क्लास के अंदर जितने सारे वेरिएबल हम डिक्लेयर कर देंगे वो हम जितने सारे मेथड डिक्लेयर करेंगे उस क्लास के अंदर उसमें हम उस वेरिएबल सारे को यूज कर पाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पे डिस्प्ले है, sum test है, और भी ज़्यादा रहेगी जब बड़ा बड़ा प्रोग्राम करोगे तब बहुत सारे मेथड एक क्लास के अंदर रहेगी, तब हम उस वेरिएबल एक वेरिएबल को डिक्लेयर करके सारे मेथड में हम यूज कर पाएंगे। और एक दिखाती हूँ, मैं बोली थी आप लोगों को ये जो इंस्टेंट वेरिएबल है ये क्या है, बाय डिफॉल्ट 0 रहती है, यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ बाय डिफॉल्ट क्लास के अंदर जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं ये बाय डिफॉल्ट 0 रहती है। हम अगर डिक्लेयर नहीं किए, वैल्यू नहीं दिए, कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किए तो जब हम रन करेंगे तब 0 दिखाएगी। आप लोग एक बार देख लीजिए तो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगी। देखिए ये 0 दिखा दिया, पहले वाला नाम जो प्रिंट किया, सिर्फ प्रिंट ही की थी मैंने, उसका 0 वैल्यू आया एंड प्रिंट सामने दोनों इनफैक्ट 0 0 है, 0 0 से करने से 0 ही आती है तो 0 दिखा दिया, तो बाय डिफॉल्ट 0 ही रहती है। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ ही गया कि इंस्टेंट वेरिएबल क्या है, कैसे डिक्लेयर करते हैं एंड बाय डिफॉल्ट 0 रहती है इंस्टेंट वेरिएबल में, ये आप लोगों को समझ में आ ही गई। एंड जितने सारे मेथड हम क्लियर डिक्लेयर करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल करेंगे एंड क्लास के अंदर हमेशा हमको इंस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहिए। मेथड के अंदर जब डिक्लेयर करेंगे तब वो इंस्टेंट वेरिएबल नहीं रहेगी, तब वो लोकल वेरिएबल हो जाएगी। इसके बाद का वीडियो में मैंने स्टैटिक वेरिएबल आप लोगों को दिखाऊंगी। सो माय डियर फ्रेंड, आज इतना ही। इंस्टेंट वेरिएबल आप लोगों को शायद पता चल गया क्या है एंड मेरे वीडियो अच्छी तरह से और एक बार बैकवर्ड में जाके देख लीजिए मेरी वीडियो। एंड अगर प्रोग्रामिंग
आप लोग को समझ में ना आया तो मुझे कमेंट करके बताइए कहाँ पे मुझे और अच्छी तरह से बताना चाहिए थी। एंड आप लोग कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, अगर अच्छा ना लगे तो भी मुझे बताना, मैं रेक्टिफाई कर लूँगी। सब्सक्राइब करना अच्छा लगे तो, एंड मुझे मैसेज करते रहना इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज पे आके, मुझे अच्छी लगेगी कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो एंड फीडबैक दे रहे हो। एंड मैं प्रोग्रामिंग छोटा छोटा करके दिखा रही हूँ जब आप लोगों को हेल्पफुल हो एंड बेसिक क्लियर हो जाए। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय।